हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बनाते हैं शाही पनीर। जो मैंने ले लिया है प्याज, अदरक के टुकड़े, लहसुन, हरी मिर्च ले लिए, ठीक है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, सब्जी के अकॉर्डिंग जितना आप पनीर लेंगे। तो हमने आधा के जी पनीर लिया था, तो मैंने दो प्याज लिए थे, एक अदरक का टुकड़ा और 8 से 10 लहसुन की कलियाँ और 3 से 4 हरी मिर्च, ठीक है। इधर ले लेंगे कढ़ाई, इसमें बटर या घी डालेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, काजू मैंने पानी में 10 मिनट पहले सोख कर दिए थे ताकि सॉफ्ट हो जाए। इधर बटर ले लिया है, आप घी में भी इसको बना सकते हैं। तो पहले तो हम इनको, प्याज और लहसुन अदरक को जो भी है इनको भून लेंगे हल्का सा। मैंने प्याज लहसुन डाल दिया है, अदरक के टुकड़े डाल दिए हैं। इधर हमने डाल दिए कट करके हरी मिर्च और इसको सॉटे कर लेंगे। गैस की फ्लेम दोस्तों लो ही रखिएगा। प्याज को भी हम इसमें डाल देंगे, जो हमने चॉप किए थे ना प्याज, वो हम इसी में डाल देंगे और सॉटे कर लेंगे। बस इसको अच्छे से मिला लीजिए। ट्रांसलूसेंट तक करेंगे हम प्याज को, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। टमाटर हमने पील कर लिया था, एक टमाटर लिया था, आप दो भी ले सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। काजू हमने जो सोख किए थे वो भी इसमें डाल दिया था। टमाटर पील कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि हमें स्ट्रेन ना करना पड़े। जो मसाला है ना पीसने के बाद पेस्ट बन जाएगा ना, उसके छन्नी से छाना ना पड़े। इधर नमक डाल दिया है थोड़ा सा हमने। इधर हम डालेंगे कश्मीरी मिर्च, डालेंगे हल्दी, धनिया पाउडर, ऐड करेंगे गरम मसाला, जीरा पाउडर, जो भी आप टेस्ट आप बढ़ाना चाहें, जैसे मसाले आप डालना चाहें उस तरह से डाल सकते हैं, ठीक है। सारे मसाले हम डाल देंगे इधर। ये मसाले आप बाद में भी डाल सकते हैं जब हम ग्रेवी तैयार कर लें, लेकिन मैंने पहले डाले ताकि मसाले अच्छे से ग्रेवी में मिल जाएं, टेस्ट भी इसका अच्छा आ जाए। मैं इस स्टेज पे दोस्तों चीनी डालना भूल गई थी थोड़ा सा, तो आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा पानी भी लगाया मैंने, थोड़ा ज़्यादा लगा दीजिएगा हल्का सा, तो इससे क्या होगा, ग्रेवी हमारी सॉफ्ट हो जाएगी। और ये प्याज जो है अच्छे से, काजू वगैरह जो है ना अच्छे से भुन जाएंगे पानी के साथ, मसाले में अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। और चीनी डाल दीजिएगा। इधर तैयार हो गया, इसको ठंडा कर लेंगे और पेस्ट बना लेंगे दोस्तों। इधर मैंने ले लिया कढ़ाई में 1 चम्मच घी, आप बटर या तेल जैसे भी बनाना चाहें सब्जी को, घी में थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है, बटर या घी में। देखिए पेस्ट बन गया अच्छे से, कितना क्रीमी बनाया है। इसमें एक पनीर का टुकड़ा मैंने ग्राइंड कर लिया था, जो मसाले ठंडे हो गए थे उनके साथ हमने एक छोटा सा पनीर का टुकड़ा। तो देखिए कलर भी अच्छा आया है, तो आप भी कर सकते हैं सब। सॉफ्ट ग्रेवी बनती है दोस्तों, घी में बनाइएगा बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। तो इसको धीमे धीमे भून लेंगे, ध्यान से भूनिएगा, फ्लेम गैस की लो रखिएगा, क्योंकि ये मसाला जो भुनता है तो छिटकता है थोड़ा सा ऊपर, तो इसको ढक के भून लेंगे। इधर मिक्सी के जार में हमने पानी था, मसाला था, वो पानी थोड़ा सा मिला के डाल दिया है। इधर डाल देंगे शुगर पाउडर, जो मैंने आपको बताया कि मैं शुगर या चीनी जो भी कहें वो भूल गए थे दोस्तों, तो इधर डाल देंगे। आप चीनी भी डाल सकते हैं, मेरे पास पाउडर रखा था तो मैंने 1/2 टीस्पून पाउडर डाल दिया है, ठीक है। और दोस्तों मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ध्यान से। सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं, भूल जाते हैं दोस्तों, ऐसा मत कीजिए प्लीज़, और लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। इधर कसूरी मेथी डाल दी है, जो कि मैं भूल गई थी, कैमरा मैंने ऑन किया तो कैमरा इस बीच में ऑफ हो गया था दोस्तों मुझसे। इधर कसूरी मेथी हाथ से रगड़ के थोड़ी सी डाल देंगे, आप डालेंगे ना तो अगर थोड़ा सा भून के इसको तवे पे डालेंगे तो और अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने ऐसे ही डाली थी लेकिन कैमरा ऑफ हो गया था, सॉरी दोस्तों इसके लिए। तो आइए इसको, ग्रेवी को अच्छे से भून लेते हैं। थोड़ी देर ढकेंगे इसको 2 से 3 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए ढक दीजिएगा, थोड़ा अच्छे से जो ग्रेवी हमारी है ना बॉयल पे आ जाएगी। देखिए बॉयल हो रही है अच्छे से बॉयल हो गई। बॉयल होने के बाद इसको देखिएगा आप, इसका कलर कितना अच्छा आएगा। मसाले आप अगर जैसे मैंने डाले हैं ना प्याज वगैरह में मिक्स करके,
इस स्टेज पे भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने प्याज के साथ आपको दिखाया था ना, भुना था मैंने, बताया था आपको उस समय डालने से क्या होगा, मसाले हमारे दो बार में भुनेंगे। देखिए अभी ग्रेवी में भुन रहे हैं, और पहले जो हमने फ्राई किया था प्याज हरी मिर्च वगैरह उसमें भी, सो अगर पहले डालेंगे तो ज़्यादा ग्रेवी अच्छी बनेगी हमारी, टेस्टी बनेगी। इधर डालेंगे पनीर हम सारे, आप स्क्वायर ट्रायंगल जैसे भी आप पसंद करते हैं, पनीर के टुकड़ों को कट कर लीजिएगा पनीर को, और उसे सब उस हिसाब से डाल दीजिएगा, आपको ट्रायंगल पीसेस पसंद हो तो उसे वैसे डाल दीजिएगा। मैंने स्क्वायर पीसेस में किए थे दोस्तों, आपको जिस तरह से पसंद हो उस तरह से आप कर सकते हैं। ये देखिए पनीर मैंने ग्रेवी में डाल दिया है, इतना यम बनता है दोस्तों, इस तरह से बना के देखिएगा। सिंपल रेसिपी है, ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं करना है। अगर आप लोगों के पास काजू ना हो, अवेलेबल ना हो, तो आप बादाम भी गर्म पानी में सोख कर दीजिएगा, छिलके उतार के ग्रेवी में पीस सकते हैं, उसको भी पेस्ट बना सकते हैं। जिस तरह से मैंने काजू पीसे थे ना, उस स्टेप पे आप बादाम के पीसेस डाल दीजिएगा, टुकड़े डाल दीजिएगा, लेकिन पानी में सोख करके, गर्म पानी में छिलके उतार के। इसको कैसे भी बना सकते हैं, सिंपल तरीका है दोस्तों, झटपट बनाइए, बच्चों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए, बहुत पसंद आती है रेसिपी। ये बच्चों को इतनी फेवरेट होती है दोस्तों, पूड़ी पराठे नान किसी के साथ भी आप इंजॉय कर सकते हैं। सो बनाइए, इस तरह से इंजॉय कीजिए, और लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपके एक लाइक से मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एंड मेरी वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, मैं बहुत मेहनत करती हूँ वीडियो बनाने के लिए। ये देखिए ग्रेवी में अच्छे से बॉयल आ गया है, इस स्टेज पे हम दूध की मलाई फेंट के, या क्रीम हमारे पास हो जो भी आपके पास रखी हो डाल दीजिएगा। पनीर हमारा इतना क्रीमी बना था दोस्तों, बहुत यम्मी बना था, बहुत 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 टेस्टी बना था पनीर। ये देखिए देखने से ही लग रहा है ना, तो ग्रेवी एकदम सॉफ्ट एंड रिच बनी थी। ये पनीर हमारा बनके तैयार है, बस हम थोड़ी सी धनिया के पत्तों के साथ गार्निश कर लेंगे इसको। इंजॉय कीजिए दोस्तों, पूड़ी पराठे नान के साथ आप जैसे भी इंजॉय करना चाहिए, आइए आप टेस्ट कर लीजिए, तब कितना सॉफ्ट बना है दोस्तों। बस इस तरह से बनाइए, आप जहाँ से देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, बताइएगा कमेंट बॉक्स में मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगती है। अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।